वेलकम स्टूडेंट, दिस इज मैथमेटिक्स क्लास. टुडे इज मैथमेटिक्स क्लास. ओके, एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स. जैसे हमने पीछे कहा था कि हम फैक्टर को डिस्कस करेंगे. हाउ कैन वी फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर. ओके, अब फैक्टर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमें एलसीएम क्यों जानना है? क्योंकि हमें फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन करना है. फिर मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग. तो हम फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी नंबर का? तो मेथड का ही है, लेकिन हमको जो मेथड अच्छा लगता है, जो आपके लिए भी सुटेबल रहेगा, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो हाउ कैन वी गेट द फैक्टर? What is the method? Method is prime factorization method. Okay? क्या method है? Prime factorization. अगर कोई number दिया हुआ है तो उसका अगर हम prime factorization करेंगे, prime factorization मतलब ये हुआ अभाज्य गुणन खंड. अभाज्य गुणन खंड करेंगे, उसके मेथड से हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. ओके, हम कैसे करेंगे अब आपको बताते हैं. जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीजें आती है. प्राइम क्या है? पहले तो प्राइम जान लेना जरूरी है. प्राइम मैंने पीछे बता दिया है, कि प्राइम क्या होता है. प्राइम होता है क्या? प्राइम नंबर होता है जो एक से या एक से या अपने से खुद से डिवाइड हो सकता है. वो हमारा क्या होता है? प्राइम नंबर होता है. तो यहां हम प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर से फैक्टर शुरू करते हैं. पहले उस लीस्ट प्राइम नंबर को लेते हैं, देखते हैं कि उससे वो डिवाइड नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा. अगर उससे नहीं हो रहा है तो उससे ऊपर का नंबर लेते हैं. अगर उससे नहीं हो रहा है तो उससे ऊपर का लेते हैं. एक चीज और ध्यान देने की बात है, कंपोजिट नंबर भी बताया मैंने, इसीलिए बताया था. कंपोजिट नंबर भी आपको नहीं लेना. कंपोजिट नंबर इसलिए नहीं लेना है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके पास दो या दो से अधिक फैक्टर हो वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर. तो जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सिक्स का भी नहीं लेंगे, क्योंकि इसके पास कितने फैक्टर है? 2, 3, 6 इटसेल्फ, 1 इज फैक्टर आल्सो, 1, 2, 3, 6. ओके, एंड इफ वी आर लीविंग 1 and 6, देयर आर स्टिल 2 फैक्टर्स, 2 and 3. तो हम कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लेते हैं. तो इतनी चीजें जान लेना. हमारा प्राइम नंबर क्या हो गया? 2, 3, 5, 7, 11, मतलब लाइक दीज नंबर्स आई विल टेक. ओके, तो जैसे हमें किसी नंबर का निकालना हो, सिंपली शुरू करते हैं. जैसे हमें 18 का फैक्टर निकालना है, 18. अगर हम 18 का फैक्टर निकालना चाह रहे हैं तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, यहां कुछ नहीं, पहले क्या करेंगे, 18 लिख लेंगे, फिर इसके बाद एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे, फिर इसी के नीचे एक लाइन खींच लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, फिर इसी के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन खींच लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन. ये जो हम करने चल रहे हैं इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन. लॉन्ग डिवीजन मेथड. हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ले लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन. सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2. तो 2 से अगर हम करेंगे इसको डिवाइड 18 को, तो पूरा कट जाएगा. 2 9 18, इसका मतलब हम 2 ले सकते हैं. और 2 प्राइम भी है. 2 क्या है? प्राइम भी है. तो हम ले लेंगे 2. जो हमारा कोशेंट आता है वो कहां लिखेंगे? इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लिखेंगे. देयर इज नो नीड ऑफ रिमाइंडर. व्हाई? बिकॉज रिमाइंडर इज कमिंग 0. So there is no use of remainder in the long division method. You have to take only the quotient of the division. Okay? So 2 9 is
18 again take horizontal line. Okay, now try to divide this number 9 from 2 will not be divided, 2 will not divide this 9, so then take 3 is 9, it is divided. 3 is 9 here, quotient is 3. Okay, now again it is looking that it cannot be, 3 cannot be divided by 2, so again I will take 3, so again I am taking horizontal line and 3. 3 1 is 3. Now it will be ended here. जहां पे 1 आ जाएगा, जहां पे 1 हमारा आ जाएगा वहीं पे हमारा डिवीजन खत्म हो जाएगा, कोशेंट हमारा खत्म हो गया. इफ इट इज कमिंग 1, प्रोसीजर विल बी एंडेड फ्रॉम हियर. नाउ आई हैव टू फोकस ऑन दीज नंबर्स 2, 3, 3, दीज विल बी द फैक्टर्स ऑफ द 18. ओके, तो यहां पे आप ले लीजिए 2, 3, 3. ओके, अब इसी के बीच में मल्टीप्लाई आएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ रहा है 18. दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हम इसको अभी फैक्टर इसलिए बता दे रहे हैं कि आगे हम एलसीएम लिस्ट का काउंट मल्टीपल जब आपको बताएंगे तो देयर इज नीड ऑफ फैक्टर ऑफ नंबर्स. ओके, तो हाउ यू विल गेट फैक्टर, तो आप ये जान लेना आपका जरूरी है. तो ये वाला समझ में आया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 18, दिस इज द फैक्टर ऑफ 18. 2 इज फैक्टर ऑफ 18, 3 इज फैक्टर ऑफ 18, 3 इज फैक्टर ऑफ 18, 6 इज फैक्टर ऑफ 18, 9 इज फैक्टर ऑफ 18. तो ये सब फैक्टर हो गए हमारा 1, 2, 6, 9, 3, 18. ओके, क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, ये सब फैक्टर ही तो है हमारे. ओके, तो ये हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल. नाउ कम टू द सेकंड एग्जाम्पल. ओके, सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड जैसे हमें लेना है 72 का, हमें 72 का हमें निकालना, 72 का एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, फिर क्या लेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन. आई विल ट्राई फ्रॉम 2 इज प्राइम नंबर, 2, 3 इज 6, 2, 6 इज 12, तो 36 इज कोसेंट. अगेन आई एम टेकिंग 2, दिस विल कम 18. अरे यहां देखो 36 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 वन जा 2, 2 एट जा 16, रिमाइंडर विल बी 0, 18 विल बी आंसर. अगेन टेक 2, 2 9 जा 8. नाउ यू कैन नॉट टेक 2 बिकॉज 2 विल नॉट फुली डिवाइड 9, यू विल टेक 3. अब आप 3 लेंगे तो 3 जा 9, अगेन यू विल टेक 3, 3 वन जा 3. ओके, तो दीज आर द नंबर, दीज आर द फैक्टर्स. ओके, तो 72 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 17, दिस इज द नंबर, दिस इज द फैक्टर. ओके, दिस इज द फैक्टर. थोड़ा सा हम आज आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि आप मल्टीपल और फैक्टर में अक्सर कंफ्यूजन होता है. मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, दोनों में कंफ्यूजन होता है. ये बड़े लेवल पे भी है, छोटे लेवल पे भी है कि क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है. हम थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहते हैं. फैक्टर अगर हम कहें कि जैसे मैंने कहा कि 72 का एक फैक्टर 2 है, तो अगर हमने कहा 72 का एक फैक्टर 2 है, तो जिस नंबर को हम फैक्टर बता दे रहे हैं वो नंबर उस नंबर को फुली डिवाइड कर देगा, वो फैक्टर हो जाएगा. समझ रहे, जैसे हमने कहा कि 72 का फैक्टर क्या है 2, तो शर्त ये है कि 2 72 को फुली डिवाइड कर दे, 2 72 को फुली डिवाइड कर दे, कोई रिमाइंडर
ना बचे, तभी हमारा 272 का फैक्टर हो सकता है। लेकिन मल्टीपल के केस में क्या होता है, मल्टीपल के केस में जस्ट देखिए थोड़ा सा आपको उल्टा लगेगा, जस्ट उल्टा लगेगा। जैसे हमने कहा कि 18 लिया था शुरू में, तो 18 का एक फैक्टर 2 आया था, हम कह रहे हैं कि 18 का मल्टीपल क्या होगा, 18 का मल्टीपल क्या होगा, तो हम 18 से ही शुरू करेंगे। 18 का मल्टीपल होना मतलब हमें ऐसे नंबर फाइंड आउट करना है जिसको 18 फुली डिवाइड कर देगा। अब हमें आगे 18 के बाद ऐसे नंबर पाने हैं, 18 या 18 के बाद ऐसे नंबर पाने हैं जिसको 18 पूर्ण रूपेण डिवाइड कर देगा। अभी फैक्टर में क्या हो रहा था, वो जो नंबर हो रहा था उस नंबर को डिवाइड कर दे रहा था, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट। अब 18 का मल्टीपल जब हमें पाना है तो 18 के बाद कौन कौन से नंबर हैं जिसको 18 पूर्ण ढंग से या फुली डिवाइड कर देगा, वही हमारा क्या होगा, मल्टीपल। जैसे 18 का पहले मल्टीपल क्या होगा, 18, दूसरा मल्टीपल क्या होगा, 36। अब देखो 36 को 18 डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा। तीसरा क्या हो जाएगा, 54, 54। अब देखो 54 को भी 18 डिवाइड कर दे रहा है कि नहीं डिवाइड कर दे रहा है, कर दे रहा है। तो 72 का जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहीं पे 72 का ले लेते हैं। 72 का एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम 72 का हमने कहा कि 2 फैक्टर है, तो 2 फैक्टर है तो इसका मतलब 2 उसको फुली डिवाइड कर रहा है 72 को। लेकिन हम 72 को मल्टीपल के विषय में बात करें, व्हाट इज मल्टीपल ऑफ 72, व्हाट इज मल्टीपल ऑफ 72, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 72 मल्टीप्लाइड बाय 170। सेकेंड मल्टीपल विल बी 72 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट विल बी 144। तो दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 72, इट मीन ए 72 इस 144 को पूर्ण रूप में डिवाइड कर सकता है। 144 मल्टीपल हुआ किसका, 72 का। 72 मल्टीपल हुआ किसका, 72 का। तो आप समझ में आया होगा, दिस इज डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर, व्हाट इज डिफरेंस। अगर हम मल्टीपल कह रहे हैं किसी नंबर का, तो उस नंबर को जो आगे हम मल्टीपल जिसको कह रहे हैं उसको फुली डिवाइड कर देना होगा, तभी वो मल्टीपल होगा वो वाले आगे वाला नंबर। अगर फुली डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो मल्टीपल नहीं होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि जैसे 72 का 2 फैक्टर है, तो 2 फैक्टर होने का अर्थ क्या है, अगर 72 को डिवाइड कर देगा तो 2 फैक्टर हो जाएगा। देखो एक जो पीछे वाला था फैक्टर को हम क्या कर रहे हैं, 72 को अगर पूरी तरह से डिवाइड कर देगा तो फैक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो 72 को अगले नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा पूर्ण रूप में, तब वो वाला नंबर मल्टीपल होगा किसका, 72 का। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल। ओके, तो दिस इज initiating class of factors. If there will be more need, I will tell you more about the factor. When I will start LCM, finding LCM, then I will just show you factorization method, prime factorization method. Okay? इसमें higher level के classes के लिए, जैसे आपका competition में आता है, competition में पूछ लेता है कि find out how many numbers are even prime factors are there in 72. Find out the odd prime factors of the 72 is present in the 72 factors. Okay? अब हाँ, मतलब प्राइम नंबर इवन नंबर पूछेंगे कि कितने फैक्टर्स हैं। जैसे 2 है हमारा, क्या है यहाँ पे देख रहे हैं, 2 इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, फिर पूछेंगे कि कितना फैक्टर इवन नंबर के हैं, कितने फैक्टर आठ नंबर के हैं। देखो यहाँ 3 फैक्टर क्या है हमारा, इवन नंबर और 2 फैक्टर आठ नंबर का। तो ये आगे कंपटीशन लेवल पे डिस्कस करते हैं लोग, बट दिस इज अबाउट यू, दिस इज फॉर योर कंसेप्ट। ओके, यू शुड नो हाउ टू फैक्टराइज, इतना जान लेना आपके लिए जरूरी है। आफ्टर दैट आई विल फाइंड आउट एलसीएम, देन आई विल मूव फॉरवर्ड और आई विल जंप टू द सिंप्लीफाइंग द फ्रैक्शन। ओके, दीज आर द कवरिंग क्लासेस फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, दिस इज ऑल फॉर टूडेज क्लास, टूडेज मैथ क्लास।